ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये व्लॉग व्लॉग भी नहीं है, दिस इज़ जस्ट एन अनएक्सपेक्टेड वीडियो जो मैं अभी रिलीज़ कर रहा हूँ या फिर रिलीज़ करूँगा। समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैज़ हैपेंड विथ माय प्राइमरी फ़ोन द मोटो G5S प्लस। बहुत सोचा था कि अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने, आई हैव टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंट नाइस वीडियोज़, बट देन ऐसा कुछ हो गया कि उस पर पूरा स्टॉप लग गया। वट हैपेंड इज़ दैट लास्ट नाइट आई केप्ट माई फ़ोन इन चार्जिंग, द फ़ोन रिफ्यूज़ टू चार्ज, उसमें चार्जिंग नहीं हो रहा था। फिर देखा तो फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं चल रहा था, तो देर वर टू मेजर प्रॉब्लम्स। तो मुझे लगा कि कोई बग होगा, तो आई रीस्टार्टेड द फ़ोन, मैंने फ़ोन को फिर से चालू किया, फिर से ऑन किया एंड आई प्लग द चार्जर इन, फिर भी नहीं हुआ। देन मैंने रीबूट किया उसको, सेव रिकवरी मोड में डाला, फिर भी कोई देर वॉज नो कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद आई टुक द फ़ोन टू द सर्विस सेंटर, दे टुक 200 रुपीज़ फ्रॉम मी। वो लोग ने फ़ोन को खोलने के 200 रुपीज़ लिए चेक करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है। फ़ोन वारंटी में था, फिर भी दे टुक 200 रुपीज़ जस्ट टू चेक व्हाट्स रॉन्ग। सो आई पेड 200 रुपीज़ एंड देन दे टुक द फ़ोन एंड दे डिड एवरीथिंग। फिर आज शाम को मुझे फ़ोन आता है कि देर इज़ एन इश्यू विथ योर फोन मदरबोर्ड, इसके लिए फ़ोन चालू नहीं हो रहा है। उसके पहले दे टोल्ड मी दैट इट्स 1050 रुपीज़, वो जो पिन होती है वो गई है, दे रिप्लेस द पिन एंड द फोन विल स्टार्ट वर्किंग। सो आई वाज हैप्पी, चल 1000 रुपये में हो जाएगा। That was also not my fault, मैंने कुछ किया ही नहीं है, still they are telling कि पिन गई है, तो I thought चल no problem, I'll pay 1050 but do my job। तो then they told कि हाँ it will be done। उसके बाद मैं जब खुद सर्विस सेंटर गया, बिकॉज there was no further response from them, तो मैं गया सर्विस सेंटर पर, आई asked them कि क्या हुआ। सो दे हैंडल्ड मी माई फ़ोन, ऐसे हाथ में दिया एंड दे टोल्ड मी कि फ़ोन का मदरबोर्ड गया है। मेरे हाथ पैर कांपने लग गए, बिकॉज मदरबोर्ड इज़ कॉस्टली देन द फ़ोन इट्सेल्फ। फ़ोन का मदरबोर्ड ही कुछ आता है अराउंड ऑफ 10-12 हज़ार का मदरबोर्ड आता है। एंड आई आस्क देम, तो अभी मेरा फ़ोन का जो प्राइस है, करंट प्राइस 12,000 रुपीज़ है, मैंने लिया था 14,000 रुपीज़ में एंड द कॉस्ट ऑफ द मदरबोर्ड इज़ 14,000 रुपीज़। तो आई जस्ट, मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि क्या करूँ, ये लोग को मैं अभी ये लोग पे भड़कूँ कि क्या करूँ, बिकॉज देन आई गूगल्ड इट कि हाउ डू आई नो इफ माई फोन्स मदरबोर्ड इज़ नॉट वर्किंग, और मतलब चला गया, बंद हो गया। सो कोरा पे लिखा था किसी टेक रिव्यूअर ने कि मतलब ज़रा भी डिस्प्ले अगर नहीं चल रहा है फ़ोन का, तो यू कैन नो दैट द फोन्स मदरबोर्ड इज़ डेड। पर मेरे फ़ोन का डिस्प्ले चल रहा था, इट वॉज शोइंग लो चार्ज, तो डिस्प्ले तो चल रहा था, तो हाउ इज़ नॉट द मदरबोर्ड वर्किंग। तो अभी मेरा फ़ोन सर्विस सेंटर में है, आई हैव नॉट टेकन इट, वो कुछ पेपर होता है, मैं पेपर लाना भूल गया था, तो दे डिडंट गिव मी द फ़ोन। तो कल मैं जाऊँगा, आई सबमिट द पेपर एंड टेक द फ़ोन बैक। एंड आई एम जस्ट वंडरिंग, दिस इज़ द वन प्लस वन दैट आई यूज़ फॉर अराउंड 18 to 20 डेज कंटिन्यूसली, अब एडिटिंग वीडियोज़, अपलोडिंग वीडियोज़, इसकी स्क्रीन टूट गई है, इसका सब टूट गया है। द फ़ोन, आज तक इस फ़ोन ने कभी धोखा नहीं दिया, एक बार बैटरी गई थी, बट देन दैट्स नॉर्मल, वो होता है, बैटरी गई थी, दिस फोन स्टिल वर्क्स। तो वाई हैव आई मेड दिस वीडियो, आई हैव मेड दिस वीडियो जस्ट टू इन्फॉर्म यू गाइज कि मैं वीडियोज़ डाल पाऊँगा। मैं बहुत प्लान करके रखा था, बहुत सारे प्लान थे एक हफ्ते में, एकदम बहुत ज़्यादा अच्छे प्लान्स थे, बट आई डोंट नो वेदर दे कैन बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। आई एम डिसअपॉइंटमेंट, तो नेक्स्ट लेवल की है, तो आई एम डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ दैट। तो आई डोंट नो दैट मैं वीडियोज़ बना पाऊँगा, अपलोड कर पाऊँगा, आई विल बी एबल टू मेक ऑसम कॉन्टेंट और नॉट। और अगर कुछ भी नहीं हुआ, देन आई हैव टू गो फॉर दिस थिंग। क्वालिटी थोड़ी ठीक ठाक है, बट द ऑडियो इज़ ग्रेट, आई हैव टू गो फॉर दिस थिंग। इस पर वीडियोज़ बना के एडिट करके अपलोड करने पड़ेंगे, और ये तो है ही। तो दैट्स माई प्लान, और शायद मुझे मोटो G5S मिल जाए फॉर वीक और टू, अरेंजमेंट करूँगा इफ़ आई गेट द मोटो G5S, नॉट द प्लस, द प्लस वन इज़ माइंड, इफ़ आई गेट द एस देन इट्स ग्रेट, उसका कैमरा अच्छा है, तो आई मेक वीडियोज फ्रॉम इट। और अगर कुछ नहीं हुआ, तो वन प्लस वन तो है ही। सो दैट वॉज ऑल अबाउट इट, मुझे बस ये वीडियो अपडेट करना था कि दिस इज़ ऑल द प्रॉब्लम। तो अगर मैं वीडियोज़ ना डाल पाऊँ, तो दैट्स द रीज़न एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस एक प्रॉब्लम शेयर करनी थी, सो आई थॉट दैट लेट मी जस्ट शेयर इट एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड या आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो प्रॉबेबली, अगर सब ठीक हो गया, मेरा फ़ोन ठीक हो गया, तो दैट्स ग्रेट, आई अपडेट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय टिल देन एंड या आई एम जस्ट नॉट इन द मूड टू इवन मेक दिस वीडियो, आई वॉज नॉट इन द मूड, बट मैंने सोचा कि अपडेट करना ज़रूरी है, तो चलो बाय।